तो ये एक्सरसाइज कितना सेवन पॉइंट कितना ओके तो एक्सरसाइज 7.11 का ये रिमूविंग एक्स मेथड है। पहला तुम्हें एक्स को रिमूव करने बाद उसके बाद ये इसका अप्लाई करो मेथड। तो हमारा क्या होता है कि ये द्वारा इसको आई ले लो ओके। पहला रिमूव एक्स करोगे बाय अप्लाई P4 ओके अप्लाई P4 ओके। तो तुम्हारा अप्लाई करो P4 ये 0 to π जहाँ पर एक्स है एक्स जहाँ पर एक्स है उसके बदले π-x लिखा जाएगा ये dx ये जहाँ पर एक्स है उसके बदले π-x लिखा जाएगा साइन कितना π-x। हमारे एक ASTC रूल होता है π-x π-θ। यहाँ पर सिर्फ साइन एंड और इसका ऑपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है और अदर्स नेगेटिव होता है। अदर्स मीन्स tan θ cot θ sec θ cosec θ अगेन cos θ ये नेगेटिव होता है सिर्फ साइन कोसेक का पॉजिटिव होता है। तो ये इसे इक्वेशन मान दो यहाँ पर ये 0 to π ये π-x साइन 180-θ 180 में सीधा सीधा रहेगा और 90 में कॉम्प्लीमेंटर होगा साइन का कॉस कॉस का साइन लेकिन 180 में सीधा सीधा लिखा जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा 180-θ इधर इधर तो साइन कोसेक पॉजिटिव है अदर्स नेगेटिव है। उसके बाद हमें पहला एक्स रिमूव करना है इसे इक्वेशन टू ओके आर्ड इक्वेशन 1 and 2 आर्ड इक्वेशन 1 and 2 तो ऐड करो इक्वेशन 1 and 2 तो तुम्हारा क्या होगा i+i कितना 2i लेफ्ट साइड ये 0 to π ये कॉमन आएगा ओके ये 1+sin(x) ये -xdx और +xdx ये कट जाएगा और π dx रहेगा π को तुम्हें बाहर रखोगे और ये dx यहाँ तक तुम कर लोगे तो 2 मार्क मिल जाते हैं उसका स्टेप मार्किंग है ओके ठीक है। पहला एक्स रिमूव करना है उसके बाद तुम इसको अपना मेथड में करोगे कि ये तुम्हें आइदर रैशनलाइजेशन करके कर लोगे क्योंकि फॉर्मूला आएगा नहीं तो तुम्हें ऐसा एक हमारा एक फॉर्मूला था एक तो कि मेथड dx इक्वल a+b cos(x) हो या dx इक्वल टू a+b sin(x) हो ये तुम्हारा आरडी शर्मा में ये मेथड है या dx इक्वल टू a+b sin(x) हो या c cos(x) हो। यहाँ पर क्या होता है साइन एक्स के बदले में 2 tan x/2 by 1+tan²x/2 पुट होगा और कॉस एक्स के बदले में 1 - tan²x/2 by 1+tan²x/2 ये एक तो मेथड है जब ऐसा नीचे साइन एक्स कॉस एक्स रहता है ये मेथड भी डाल सकते हो और ये साइन एक्स के बदले 2 tan x/2 1+tan²x/2 डालोगे तो 1+tan²x/2 न्यूमेरेटर जाके sec²x/2 होगा और साइन एक्स के यहाँ पर नीचे 2 tan x/2 होगा tan x/2 को टी लोगे तो sec²x/2 dt होगा। वो मेथड है ये लेकिन सिंपल मेथड में रैशनलाइजेशन हो जाएगा तो रैशनलाइजेशन में कर लो ये 2i = π 0 to π ये 1+sin(x) है ये रैशनलाइजेशन मेथड तभी अप्लाई होता जब कोई रैशनलाइजेशन करने फॉर्मूला आएगा यहाँ पर करने से फॉर्मूला आएगा ओके 1+sin(x) और 1 - sin²-b² फॉर्मूला आएगा ओके। तो तुम्हारा नीचे जो मल्टीप्लाई हुआ ऊपर भी वही मल्टीप्लाई होगा ओके ये 2i = π ओके a²-b² 1 - कितना sin²x ओके देन ये 1 - sin(x) ओके a+b a-b ये तुम्हारा a²-b² होगा a+b a²-b² ये 1 - sin²x cos²x होता है इसीलिए रैशनलाइजेशन किया गया ओके ये फॉर्मूला आएगा 1 - sin²x cos²x होगा ये 1 - sin(x) ये 0 to π। अब इसे इंडिविजुअली डिवाइड कर दो तुम्हारा फॉर्मूला में आ जाएगा ओके ये 1 cos²x ये 1 cos²x जो कि sec²x बन जाएगा और ये साइन एक्स है ये cos²x से क्या करूँगा cos(x) into cos(x) कर दूंगा ओके
करके, इसमें ये वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन टैन एक्स होगा, और इसका ये वन बाई कॉस एक्स सेक एक्स आएगा और इंटू टैन एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन है सेक एक्स है। तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा, टू आई इक्वल टू पाई जीरो टू पाई, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स है, और ये वन बाई कॉस एक्स ये सेक एक्स होता है, इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स ये टैन एक्स होता है, ये जीरो टू पाई डी एक्स। देने तुम्हारा ये टू आई इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, टैन एक्स होगा, क्योंकि डेरिवेटिव टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स टैन एक्स होगा, डेरिवेटिव टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, देन इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स टैन एक्स होगा, इसके बाद ये जीरो टू पाई डालोगे, डेरिवेटिव सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स सेक एक्स आएगा, और ये तुम्हारा ये भी कितना जीरो टू पाई है, या इक्वल टू ये पाई बाई टू लिख दे रहे इंटू टू डिवाइड, ये कांस्टेंट है, टैन पाई पहला पुट होगा माइनस टैन जीरो पुट होगा, देन यहाँ पर पहला सेक पाई पुट होगा माइनस सेक जीरो पुट होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल, ये पाई बाय टू, टैन पाई जीरो होता है, टैन जीरो डिग्री भी जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। मैं एक बोला गया था कि किसे सर्कल मेथड में तुम्हारा साइन पाई है, तुम्हारा एक वन यूनिट लोगे तो ये क्या होगा, ये जीरो डिग्री 90 और क्या ये पाई और ये थ्री पाई बाय टू, ऐसे ये कोऑर्डिनेट आएगा वन जीरो, ये कोऑर्डिनेट आएगा जीरो वन, ये कोऑर्डिनेट आएगा इधर माइनस वन होता है तो एक्स का माइनस वन जीरो, ये कोऑर्डिनेट आएगा जीरो माइनस वन। ओके, तो पहला कॉस थीटा होता है, उसके बाद साइन थीटा होता है, पर कॉस जीरो डिग्री वन आएगा, साइन जीरो डिग्री जीरो आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस के लिए, सेकंड ये कॉस 90 कितना जीरो, साइन 91, कॉस पाई माइनस वन, साइन पाई जीरो, कॉस थ्री पाई बाय टू जीरो, साइन थ्री पाई बाय टू माइनस वन, ये टैन पाई मीन्स साइन पाई बाय कॉस पाई, टैन पाई मीन्स साइन पाई बाय कितना, साइन पाई बाय कॉस पाई। ओके, अच्छा साइन पाई कितना बोलो, साइन का सेकंड का साइन पाई कितना जीरो बाय, ये जीरो आ जाएगा, टैन जीरो भी जीरो, दैट टैन जीरो मीन्स साइन जीरो बाय कॉस जीरो, साइन जीरो भी क्या, तो इसलिए जीरो आया, ये सेक पाई है, तो सेक पाई जो वन बाय कॉस पाई है, सेक पाई जो है वन बाय कॉस पाई, कॉस पाई देखो ना माइनस वन, पहला जो है माइनस कॉस थीटा, सेकंड है साइन थीटा, कॉस पाई कितना आएगा, ये माइनस वन मीन्स वन बाय माइनस वन, सेक पाई जो वन बाय कॉस पाई, वन बाय माइनस वन, तो तुम्हारा ये आएगा माइनस वन आएगा, कॉस जीरो डिग्री वन होता है, तो सेक जीरो डिग्री होता है वन बाय कॉस जीरो डिग्री। ओके, ये वन आएगा, जैसे सेक जीरो डिग्री क्या होगा, वन बाई कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री वन होता है, यहाँ पर भी देख लो कॉस पहला ही है कॉस का, कॉस जीरो डिग्री वन होगा, ये तो आई इक्वल टू पाई बाय टू, ये कितना प्लस, ये माइनस टू होगा, इससे पहले एक माइनस है, ये प्लस टू होगा, कट जाएगा कितना आएगा पाई, आंसर थोड़ा चेक करो